बेंगलुरु से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ एक बेटी अपनी माँ की हत्या कर उसका शव ट्रॉली बैग में डालकर खुद पुलिस स्टेशन ले गई। 29 साल की हत्यारी बेटी सोनाली सेन के खिलाफ पुलिस ने कथित तौर पर अपनी माँ की हत्या कर शव को ट्रॉली बैग में भरने के आरोप में मामला दर्ज किया है। आरोपी सोनाली सेन और उसकी माँ बीवापाल बेंगलुरु के NSR ग्रीन अपार्टमेंट में रह रहे थे। पुलिस ने कहा कि महिला ने अपनी माँ की हत्या की बात कबूल कर ली है और अधिकारियों के मुताबिक आरोपी महिला शादीशुदा है और घटना के समय उसका पति मौजूद नहीं था। हालांकि महिला की सास घर पर मौजूद थी, लेकिन वो हत्या के बारे में अनजान थी क्योंकि ये एक कमरे के अंदर हुई। सोनाली सेन कोलकाता की मूल निवासी है और पिछले 6 सालों से बेंगलुरु में रह रही है। माइको लेआउट पुलिस का कहना है कि शव को उबर ऑटो के जरिए कल थाने में लाया गया था और बेटी सोनाली सेन के खिलाफ IPC की धारा 302 सहित कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।